नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। एक खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। वाकया है 2012 का, जब आईआईटी बॉम्बे से पास आउट कुछ स्टूडेंट्स को अपना घर ढूंढना था। बहुत मुश्किल हुई, फाइनली कुछ शायद मिल भी गया, लेकिन परेशान इतने हो गए कि सोचा खुद ही सॉल्यूशन निकालते हैं। और जो सॉल्यूशन निकाला वो था एक प्रॉपर्टी सर्च पोर्टल, जिसे आज आप सब लोग housing.com के नाम से जानते हैं। तो 2012 से अब 2015 है, थोड़ा सा ही वक्त बीता है, लेकिन ये ऑल इंडिया फेमस नाम जिसे हम कहें वो बन चुका है। पहली बार सुर्खियों में तब आया 2014 के अंत में, जब इसको सॉफ्ट बैंक से 90 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। और इन दिनों एक बार फिर ये सुर्खियों में है, अपने यूजर इंटरफेस के कारण तो है ही, लेकिन इसके जो सीईओ हैं राहुल यादव साहब, उनको लेकर भी ये काफी सुर्खियों में है, क्योंकि कई उनके मेल्स हैं जो आउट हो गए और उसकी भाषा पे थोड़ी आपत्ति उठाई गई। तो कहीं पर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, अपनी जो इक्विटी कंपनी में थी वो अपने सारे एम्प्लॉयज को दान कर दी। तो ये यहां पर एंग्री यंगमैन से लेकर रॉबिनहुड तक की उनकी छवि सबके सामने आई और उत्सुकता बन गई कि राहुल जी कौन है और हाउसिंग में कैसे काम हो रहा है। तो ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। ये सब करने के लिए हमारे साथ खुद राहुल यादव इस समय मौजूद है, housing.com के सीईओ। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल ये पूरी व्याख्या के बाद वो यही होगा, और सब भी शायद यही सुनना चाहते हैं कि राहुल यादव को गुस्सा क्यों आता है। जब लोग टाइम वेस्ट करते हैं तो गुस्सा आता है, बिकॉज़ लाइफ इज टू शॉर्ट। आपने सिकोया का जो चर्चा सब आती है कि आपने उनको एक मेल लिखी और आप थोड़ा नाराज थे उनसे कि पोचिंग हो रही है, आपका अच्छा टैलेंट वो ले रहे हैं, आपने उनको चिट्ठी में लिखा कि अगर आपने ये किया नहीं, तो ये टैलेंट वाली बात नहीं। ऐसी क्लास में दो तरह के दोस्त होते हैं, एक कितना भी आपको परेशान करे आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं, और एक होता है कि आप उसको पसंद नहीं करते और आपकी वो नोटबुक को भी हाथ लगाता है तो आप उसको लड़ देते हैं, राइट। तो कुछ कुछ वैसा ही रिलेशन है, कुछ लोग हमें पसंद नहीं थे तो उन्होंने वो कुछ भी करें तो हमें गुस्सा आ जाता था। तो आपने उनसे कहा कि अगर आप नहीं रुके तो मैं भी आपको खाली कर दूंगा, आजमा के चाहे तो देख ले। अच्छा चलिए, ये तो ऐसी बात थी जो आपको नहीं पसंद है, लेकिन जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करना है, तो आपने जब अपना इस्तीफा दिया तो आपने उनको इंटेलेक्चुअली इनकैपेबल लिख दिया, तो ये भी जाहिर सी बात है कि किसी को गुस्सा आएगा। मतलब लग रहा था कि आप गुस्से में हैं और उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, तो फिर इसका क्या कारण रहा? नो, ये सब डेली चलता रहता है बिजनेस में, यू नो, इंटरनली। सो बस बाहर लीक हो गया तो अदरवाइज आई मीन पीपल यू लाइक, जो लोग आप पसंद करते हैं उनके साथ लड़ते झगड़ते भी रहते हैं छोटा मोटा, तो ये सब चलता रहता है। तो आपका कहना है कि ये इस्तीफा बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था और आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो फिर बाहर आ गया, वो अलग बात है, लेकिन ये एक डेली रूटीन का आपकी मेल भी आएगी, इनफॉर्मल अनदर डे इन हाउसिंग, ऐसा आपका फिर मेल आता है शाम को। हालांकि फिर आपने माफी मांगी, ये क्यों रहा? ऑफ कोर्स वो लैंग्वेज खराब थी। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि जब आप लिखते हैं, बहुत सारे लोग बाहर हमसे पूछते हैं, हाउसिंग की बड़ी चर्चा होती है इन दिनों, कि राहुल इतना लिखने में विश्वास क्यों करते हैं, यही बातें फोन पर कर लेते तो शायद उस तरीके से बाहर नहीं आते, मेल से बाहर चले जाते हैं। अब 10 लोगों को भेजना है तो 10 लोगों को कॉल कैसे लगाएं एक साथ, यू नो, मेल 10 को चला जाता है। लेकिन इन्वेस्टर तो आपके 4-5 ही, शैलेंद्र तो अकेले ही रहे हैं, उनके साथ भी हैं कई लोग, तो हमारे पास आई थिंक यू रेज 8 to 9 राउंड, सो नॉट जस्ट 3-4 इन्वेस्टर, वेरी लार्ज इन्वेस्टर ग्रुप। फिर एक जो चीज आई वो थी जोमेटो और ओला कैब्स को लेकर, जो फेसबुक पर आपकी बातचीत हुई और आपने जब अपना ईसोस बांटा, अपनी इक्विटी बांटी, तो आपने उन्हें चैलेंज कर दिया कि मैंने कर दिया, आप भी करके दिखाओ, और बात यहां तक गई कि उनमें से एक ने आपको कह दिया कि आप तो स्टार्टअप के अरविंद केजरीवाल हैं। सो ये सब फन है, चल रहा है, अच्छा है, आई मीन लाइक व्हाट्स रॉन्ग इन इट। ओके, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बस ये आई डोंट थिंक ये सब टीवी पे भी आना चाहिए, सब तो चलते रहता है। तो ये बताइए राहुल, की जो ये आपका कदम था, इस्तीफा जो आपने दिया, मैंने कहीं इंटरव्यू आपका ऑनलाइन पढ़ा, जो रेडिट एम है आपने किया, आस्क मी एनीथिंग, उसमें आपने कहा कि ये आपकी सोची समझी रणनीति थी, आपने सोच समझ के ऐसा किया, या आपके काम करने का तरीका, ये बात समझ में थोड़ी कम आई? सब चीज सोच समझ के करते हैं। नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या सोचा था आपने इसके पीछे? टाइम बच जाता है इसे। नहीं, आपने इस्तीफा दे दिया, आपको लगा टाइम बच जाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स पे क्या संदेश गया कि राहुल इज नॉट सीरियस, इन्होंने कुछ बात हुई और मुझे इस्तीफा दे दिया? राहुल को टाइम खराब नहीं करना। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन टाइम खराब ना करने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं। आप घर में मम्मी से नाराज हैं, पापा से नाराज हैं, तो ये नहीं हो जाएगा कि आप कह देंगे कि मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप कुछ और सोल्यूशन निकालेंगे? कई लोग करते हैं ना, कई बच्चे करते हैं, फिर उनकी मांगे मान ली जाती हैं बस। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी मांग मान, बाई चांस अगर वो आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेते तब? बाई चांस पेरेंट्स के बच्चे को जाने देते तो ऐसा कभी देखा? आप ये कह रहे हैं कि आपको जाने नहीं देते? नहीं देते। या
आप भी इस कंपनी के सीईओ हैं और कल की आपकी ये जो चीज है इसको आपके एम्प्लॉयज भी फॉलो करने लगे कि चलिए अपनी मांग मंगवानी है तो इस्तीफा डाल देते हैं, रोज आपके पास आपकी टेबल पे 10 आएंगे तो आपको कैसे, मतलब आप फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? आने चाहिए इफ दे फील, वो मानते हैं कि वो कुछ सही कर रहे हैं और उनको नहीं करने दिया जा रहा है, उनको करना चाहिए सब। मैंने खुद बोला है अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं और करना चाहते हैं, कोई आपको रोक रहा है, आपका मैनेजर, आपका बॉस, आप जाके उसको बोलिए। तो आपको लगता है कि ये तरीका नहीं, देखिए बोलने वाली बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन बिल्कुल इस्तीफा ही दे देना और कहना कि बस मैं तो चला छोड़ के, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी, चलिए एम्प्लॉयज आपके हैं अलग बात है, लेकिन आप इस कंपनी के सीईओ हैं, आप एकदम जिम्मेदारी से हट जाएंगे तो आगे, चूंकि आपको ये कंपनी और भी आगे ले जानी है, इन्वेस्टर्स यही है जिनके साथ काम करना है, कुछ नए जुड़ेंगे, तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है राहुल, उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब वो सब आपके दिमाग में रहता है ये करते वक्त? या तो आदमी इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, नहीं है, नहीं वो बात बिल्कुल मैंने मानी, आप बोल रहे इम्पोर्टेंट है तो यहाँ उसको रखेंगे, उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि राहुल एरोगेंट है और सोच समझ के फैसले नहीं लेता है। लोगों का काम है कहना, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो आपके साथ ही काम कर रहे हैं ना उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप उनसे जाके पूछिए, देखिए वो क्या बोलते हैं, आपके इन्वेस्टर्स से नहीं, किसी से भी, लगेगा कंपनी में जो काम करते हैं इन्वेस्टर लोग, इंटरनल लोगों से पूछिए वो क्या बोलते हैं, सब मस्त हैं, सब खुश हैं। अच्छा, ये जो आपके मन में एक विचार आया और आपने अपनी इक्विटी पूरी दे दी 150 से 200 करोड़ का जो फिगर है जो कोट हो रहा है, तो उसके बाद आपने कहा कि 26 की जो उम्र है उसमें आपको लगता नहीं कि पैसे के लिए बहुत सीरियस होना चाहिए, तो अच्छा लगा सुनने में, आपके एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगा होगा, लेकिन शायद आपके इन्वेस्टर्स को ये उतना अच्छा नहीं लगा। उनको भी काफी अच्छा लगा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, वो तो चाहते हैं कि आप पैसे को लेकर सीरियस हो जाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि वो भी देना चाहते हैं कुछ अपनी तरफ से और वो भी कुछ देंगे अभी आगे, इन्होंने डिसाइड किया, तो दे आर वेरी हैप्पी। राइट, लेकिन कुछ जगह हमने ये भी सुना, कुछ जो मार्केट सीकर्स होते हैं जानकार, उनका ये भी कहना है कि ये एक तरीका भी है जहां पर इन्वेस्टर्स ने आपके ऊपर दबाव डाला, हो सकता है कि नहीं अब आप अपनी जो इक्विटी है, जो स्वेट इक्विटी है, उसको पहले आप डाइल्यूट कीजिए, बाद में उनका हिस्सा भी आएगा लेकिन पहले आपकी इक्विटी को डाइल्यूट कराएगा। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हैं कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, पर अचानक से ये विचार आपके मन में आ गया? अचानक से नहीं है, ये ऑलमोस्ट लाइक एक महीने पहले से चल रहा था और टीम में लोगों के साथ भी डिस्कस किया था कि अपने ये करना चाहिए हम सब लोगों को, और हमने उसके बाद पूरा प्लान किया, एडवाइस ली कि टैक्स वैक्स लगेगा कि नहीं, वो सब प्रोसेस चल रहा था, एंड देन हमें ओपन हाउस करना था जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे अनाउंसमेंट किया जाता है और वहां पे अनाउंस किया। अब लोग वो सब इस्तीफा और उन सब के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं, प्लानिंग करके किया गया है, एक महीने से उसकी तैयारी करी, तो देयर शुड बी सम रैशनैलिटी टू दैट। सो मेरे पास सबसे ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे सबसे ज्यादा शेयर्स थे कंपनी के, सो आई वाज लाइक द सिंगल लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर। अगर मैं आपके शेयर परसेंटेज की बात करूं जो हम जानते हैं वो करीब 4.5% है, क्या ये ठीक है? था मैंने चेक नहीं किया, इसके आसपास ही था। हाँ, तो अगर हम आपकी लास्ट वैल्यूएशन को देखें, जब आपकी सॉफ्ट बैंक की फंडिंग आई थी तो करीब 1500 करोड़ रुपए की आपकी वैल्यूएशन थी, तो उसका अगर हम 4.5 से 5% भी अगर कैलकुलेट करें तो 70 करोड़ के आसपास आता है, और आपने जो दिए हैं वो 150 से 200 करोड़। हम प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन टाइम के साथ ग्रो करता जी, है। हाँ, यही हम तो जब हमने कंपनी चालू करी थी आज से लाइक 2.5 साल पहले हमारा 6 करोड़ था कंपनी का वैल्यूएशन, 6 करोड़, फिर 1500 आया, और अभी कंपनी मार्केट में थोड़े टाइम में जाने वाली है, ये उस पर तकरीबन 3000 से ऑलमोस्ट 9000 करोड़ के बीच, क्योंकि आपने जो हिस्सा अपना डाइल्यूट किया उसको अगर हम मोटा मोटा हिसाब भी लगाएं तो 4.5-5000 करोड़ का वैल्यूएशन, कितना भी तो सो प्राइवेट कंपनी है तो उसका कोई डिसाइडेड नहीं होता एग्जैक्ट कितना है, ठीक है, मार्केट डिसाइड करता है, एक रेंज इसलिए दी गई थी कि इस रेंज में चल रहा होगा। तो जब आपने ये कर दिया है और ये सब कुछ हो गया है तो ये माना जाए कि अब वापस से चीजें ट्रैक पर आ गई, या आप कहेंगे कभी ट्रैक से अलग थी ही नहीं? बिल्कुल कभी ट्रैक से अलग थी नहीं, लेकिन अब इन्वेस्टर्स आपसे खुश हैं या आपकी कार्यशैली से खुश हैं? एक खबर ये भी आई है कि जो बोर्ड है उसे डेफिनेटली बढ़ाया गया है, लेकिन वो इसलिए बढ़ाया गया कि आपके ऊपर थोड़ा चेक रखा जा सके। बोर्ड हमेशा से थी और पहले कंपनी छोटी थी तो छोटे छोटे डिसीजन होते थे, उसमें फर्क नहीं पड़ता था, अभी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं तो ऑफकोर्स उनकी भी एडवाइस ये काम की रहती है। लाइक अब अगर आप 100 करोड़ की कोई कंपनी खरीदे तो ऑफकोर्स बोर्ड से तो बात करनी पड़ेगी, पहले 1-2 करोड़ का होता था। हाँ, लेकिन तो ये सब तभी हुआ जब आपका इस्तीफा हुआ और नहीं नहीं सब चीजें मतलब लाइक प्लान थी, अब वो इनके साथ लिंक मत कीजिए। अब हाउसिंग, इस वक्त अगर मैं बात करूं
तो अभी हाउसिंग कहाँ पर खड़ी है, क्योंकि देखिए काफी सारा कॉम्पिटिशन बाहर है, जरूर है कि आपने दो साल या ढाई साल की स्पेंड में वो सब कुछ कर लिया है जिस पर पहुंचने में जो दूसरे पोर्टल्स हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स, शायद एक दशक का या दस साल का वक्त लग गया, अभी हाउसिंग कहाँ खड़ी हुई है? देखो आप पूरी दुनिया में देखें तो अमेरिका से लेके यूके, ऑस्ट्रेलिया और ऑल इन सब मार्केट में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक कंपनी ने इतना लेट स्टार्ट किया और फिर वो बाकी सबसे आगे निकल गए इतने शॉर्ट पीरियड में। आप पूरी दुनिया में, आप इटली में देख सकते हैं, जर्मनी, यू नो, ऑल इन सब मार्केट्स में, तो ये सिर्फ इंडिया में हुआ है और ये सिर्फ हाउसिंग ने किया है इन जस्ट ढाई साल के टाइम में, स्टार्ट करने से लेके सबको क्रॉस कर चुके हैं, नॉट जस्ट क्वालिटी में। अब क्वालिटी देखोगे हमारी तो इट्स लाइक 10 times बेटर है। आपने भी बोला कि एक जो एप्पल और एक लोकल फोन में जो अंतर होता है, तो प्रोडक्ट वैसा है और नंबर्स में भी बहुत आगे निकल गए हैं, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कंपनी। सेकंड थिंग, अभी हम उनसे बस नंबरों में आगे निकले हैं, आगे जाके नंबर में भी 10 times बेसिकली वी वांट टू क्रॉस देम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्या अभी कंपनी को किसी और नए फंडिंग की जरूरत है या अभी कुछ समय के लिए फंडिंग नहीं चाहिए? अभी हम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज अभी हमारे पास काफी कैपिटल ऑलरेडी है बैंक में, एंड जो जरूरत पड़ेगी तो रेस कर लेंगे मार्केट से। अच्छा, हमने ये भी सुना कि आप इन्वेस्टर जो आपसे नाराज थे या हैं, जो भी है, कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, लेकिन जो बात सुनने में आई कि जो कैश बर्न है वो शायद उनको ज्यादा लग रहा है, रोज के 3 crore rupees इस तरह की बात है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे 120 crore rupees खर्च कर दिया, जो है लगा बहुत ज्यादा है, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तो किसी तरह का कोई कैश बर्न कंपनी में नहीं हो रहा है। आपने अपने लिए जो डोमेन नेम खरीदा वो अब तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डील रही, जो नंबर खरीदा वो सबसे बड़ी डील रही, बहुत अच्छा डिसीजन था वो। आपको ऐसा लगता है? सबको ऐसा लगता है, आपको लगता है कि नहीं आप बताइए। हाउसिंग की जगह आप myhousing.com रख लेते और बिना पैसे में काम होता तो नहीं चलता? नहीं। चलिए, ये आपका एक विजन बताता है कि आपने बहुत आगे का सोचा है, क्योंकि शायद मैंने आपकी कई बातें सुनी हैं, आप इसे ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ हिंदुस्तान तक रुकना चाहेंगे या हिंदुस्तान को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप एक वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। आपने कहा कि 5 कम से कम बड़ी कंपनियों में ये एक होगी और उस विजन के साथ फिर ये आपकी चीजें चल रही हैं। तो आप देखिए, बाकी सब टेक्नोलॉजी एरियाज में अमेरिकन कंपनीज टेक ओवर कर जाती हैं। आप देखो, हमारा सोशल नेटवर्क फेसबुक है वो यूएसए आया है, हमारा गूगल हम सर्च जो यूज करते हैं, चाइना ने खुद की लोकल बनाई हुई है, वहां का गूगल अलग है। सो बहुत ही कम इंडियन कंपनी है जो इंडियन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाती है, फॉरगेट अबाउट बाहर जाके कुछ वो करें। एंड हमारी कंपनी में इतना अच्छा टैलेंट है, इतना अच्छा यू नो कैपिटल बैकिंग सब कुछ है कि हम लोग बाहर जा सकते हैं एंड बाकी मार्केट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्लान है? आपने ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी हैं? प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आप देखो तो डे वन से हमने ऐसा क्वालिटी मेंटेन रखा जो कि अगर बाहर भी जाएं, बाहर के देशों के लोगों को वो क्वालिटी पसंद आए, तो हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान के लिए आपका काम पूरा हो चुका है और अब आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं? आपको लगता है कंपोजिट चलाएंगे, यहां भी चलता रहेगा और एक कदम बाहर भी निकाल? दोनों चीजें साथ में की जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि टीम कैसी बने। अगर इंटरनेशनल टीम अच्छे लोगों की बन जाती है तो वो अपने आप ही कर लेते हैं, उनको आप प्रोडक्ट दे दीजिए और वो जाके मार्केट पूरा टेक ओवर कर लेते। तो आप हमारे साथ कुछ शेयर कर पाएंगे कि फॉरेन कंट्रीज के लिए क्या प्लान है या किन देशों में अभी आप देख रहे हैं, किस एरिए पे आपके नजर है और किस तरीके से उसे आगे ले जाएंगे? सब कंस्ट्रक्शन इकोनॉमीज, जहां जहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता है, दो तरह के मार्केट हैं। एक है जहां पे ऑलरेडी घर बन चुके हैं सारे, जैसे यूएस हुआ एंड ऑल, वहां पे ऑलरेडी लोगों के पास घर हैं। देन है डेवलपिंग कंट्रीज, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमीज, लाइक इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देन आप देखें साउथ ईस्ट एशिया में दुबई वगैरह में कंस्ट्रक्शन जहां पे हो रहा है, वो दूसरे तरह के मार्केट है। सो हमारा प्रोडक्ट जो डिजाइन है वो कंस्ट्रक्शन इकोनॉमीज के लिए है, जहां पर भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सो आधा हाफ द वर्ल्ड इज स्टिल नो अभी कंस्ट्रक्शन के थ्रू जा रहा है, तो विल बी केटरिंग टू All these markets, construction markets में है। अच्छा, आपकी जो फिलहाल अगर हम हाउसिंग को देखें तो वो तो आपका एक प्रोडक्ट है जो लोकोन सॉल्यूशंस है, उसके अंदर एक चीज है हाउसिंग, आप इसके और वर्टिकल्स भी खोलने की बात करते हैं, वो वर्टिकल्स क्या होंगे और किस तरीके से काम करेंगे, कब तक आता हुआ देखेंगे? एक तो ऑलरेडी आ चुका है, आप देखें तो इंडियन रियल एस्टेट फोरम, जहां पर लोग जाकर बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम, उनको क्या चाहिए, तो इट्स ए डिस्कशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने आके व्यूज प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ डेटा एनालिटिक्स कंपनीज हैं, बिकॉज इंडिया में घर खरीदने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना,
प्रॉपर्टी में जनरली लोग तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कितना रेट बढ़ेगा, कितना कम ज्यादा होगा, यू नो इसका रेंट कितना आएगा। ईएमआई में लेते हैं तो ईएमआई में से रेंट से पे कर देते हैं कुछ ईएमआई, तो ये सब कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं। तो इसके लिए डेटा एनालिटिक्स कंपनी गेटिंग ऑन बोर्ड, एंड इसके बाद एक ड्यू डिलीजेंस कंपनी है। कई बार परमिशन होती है जैसे 16 फ्लोर तक, बट बना रहे हैं 18 फ्लोर तक, तो 17 फ्लोर अगर खरीद लिया आपने तो फिर कई बार डिलीवरी में लेट हो जाता है, तो वो कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है, तो वो सॉल्व कर रहे हैं हम। फिर विद इन द सोसाइटी बिल्डिंग सॉफ्टवेयर की कई बार पानी नहीं आ रहा और ये सब, तो पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। आप देखेंगे 10 से ज्यादा ब्रांड्स हो जाएंगे हमारे कंपनी के अंदर। अभी दो आपको दिखते हैं, हाउसिंग एंड IREF, एंड यू विल सी 8-9 और आप देखेंगे। तो इसके लिए IREF, तो एज वी नो कि आपने एक एक्विजिशन किया है, तो अब मैं इसी सवाल पे आता हूँ कि हाल फिलहाल के क्या आपके एक्विजिशन रहे और आगे भी क्या आप कुछ करने का सोच रहे हैं? तो इन 10 कंपनियों से कुछ हम खुद स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ हम खरीद रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा बता पाएं कि आपकी क्या प्लानिंग है एक्विजिशन को लेकर? आप विद इन नेक्स्ट 6 मंथ यू विल सी ये 10 ब्रांड पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अभी क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं आप टेक्नोलॉजी का, जिसे आप डेटा साइंस लैब भी कहते हैं, और भी क्योंकि आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें पता चला लैंड मैपिंग पे आपका, क्योंकि आपके पोर्टल पे लैंड्स भी अवेलेबल हैं, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, उनके रियल लाइफ 360 डिग्री व्यूज हैं जो आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वहां पर डालते हैं। तो ये तो पूरा पार्ट हो गया टेक्नोलॉजी का, आप खुद भी टेक्नोक्रेट है, IIT है आपकी कंपनी में, ज्यादातर लोग IIT से हैं, लेकिन जो रियल स्टेट का पार्ट है, तो क्या आप रियल स्टेट एक्सपर्ट्स भी अब अपनी कंपनी में ले रहे हैं जो बेसिकली रियल स्टेट को समझते हैं और जानते हैं? तो हमने कंपनी रेंटल से स्टार्ट किया था, रेंट बैचलर्स एंड कॉलेज के लड़के उन सबकी नीड होती है, और उसमें ज्यादा रियल स्टेट की नॉलेज आपको चाहिए नहीं होती, रेंटल बस इन्वेंट्री ले आइए। बट जैसे ही आप बाय सेक्शन में आते हैं, खरीद रेंट बाय एंड सेल में, यू नीड, बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर पीपल्स लाइफ, तो उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एंड ये सब चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत सारा एक्सपर्टाइज एंड इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए, तो इसीलिए हम ये सब कंपनीज एक्वायर कर रहे हैं। आप देखें इन सब में तो ये बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्री, और इनमें काफी अच्छे अच्छे इनके एक्सपर्ट्स भी हैं, तो वो लोग भी ऑन बोर्ड आएंगे। तो यस, बहुत सारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को हम ऑन बोर्ड ला रहे हैं। हम एडवाइजरी बोर्ड भी बना रहे हैं जिसमें बहुत ही लाइक सीनियर लोग जो एक्सपीरियंस हैं वो हमें हेल्प कर सकें। आप 12 लोग थे जिन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया, लेकिन CEO राहुल यादव ही क्यों बने, क्या खास था? 12 भी एक से चालू होता है ना, एक से दो पे जाते हो फिर तीन से, तो जो एक था ये नेचुरल लीडरशिप थी जिसे बाकी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी थे, फिर इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी बने, तो लीडरशिप पहले से ही था, तो उसका एक्सेप्टेंस भी था। राइट, आपने exambaba.com बनाई जो फिर एक ऑफिशियल पोर्टल हो गया, हालांकि बाद में बंद कर दी गई, तो वहीं से वो एंटरप्रेन्योरशिप भी आने लगी थी, लीडरशिप भी आने लगी थी। एक और सवाल है जो मुझे इच्छा है कि मैं आपसे पूछूं, ये है कि IIT ड्रॉप आउट, तो क्या ऐसा कारण रहा कि चौथे साल में आपने IIT छोड़ दिया? लग रहा था समय खराब हो रहा है, अगेन टू सेव टाइम। जी, ये मैं मानूं कि ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपका एक कोट ये भी है कि आई वॉन्ट टू स्पीक फ्रैंक एंड स्ट्रेट, तो ये बिल्कुल वैसा ही जवाब है कि आपको लग रहा है कि समय खराब हो रहा था और आपने छोड़ दिया। आपको नहीं लगा कि डिग्री पूरी करनी चाहिए, उसका भी एक मतलब होगा, टाइम वेस्ट हो रहा था तो निकल गए? तो ये आपको फोर्थ ईयर में ही जाके रियलाइज हुआ, उससे पहले नहीं लगा? सेकंड ईयर में भी हुआ था, तब आपने नहीं छोड़ा, फिर लोगों ने समझाया कि नहीं थोड़ा रुकिए, फिर फोर्थ ईयर में वापस से फील हुआ कि ठीक नहीं है, लोग बोले ठीक है अभी एक दो थोड़ा 3 कोर्स ऐसे कर लो, मैंने कहा नहीं यार नहीं हो पाएगा, चलिए निकलो। तो राहुल, थोड़ा डर लग रहा है कि किसी दिन ये सवाल मन में आ गया कि हाउसिंग में भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्या आप इसे भी छोड़ देंगे? हाउसिंग बिकॉज मेरे कंट्रोल में है, मैं वैसा दिन आने नहीं दूंगा। IIT मेरे कंट्रोल में, आपको लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? ऐसा दिन मैं आने ही नहीं दूंगा जब तक मैं हूँ, और आने वाला था शायद, और आपने वो कंट्रोल कर दिया इस्तीफा देके कि नहीं इससे पहले कि ऐसा आए तो ये लीजिए, मैं जा भी सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताइए कि हमने सुना कि बचपन में आप जब क्लास 10th में थे तो एक एवरेज स्टूडेंट थे, उसके बाद आपको अपने अंकल की कोई बात बुरी लग गई और फिर वो बात इतनी बुरी लगी और उसने इतना कमाल किया कि आपने अपने राजस्थान अलवर जिले से आप आते हैं वहां पर PCM टॉप कर दिया, ये बात कितनी सच है? क्या वो बात थी जो आपको बुरी लग गई और फिर ये कमाल हो गया? नहीं तो थे अंकल, मैं हॉल में बैठे हुए थे एंड मैं वहां से कमरे में जा रहा था और उन्होंने कमेंट मारा कि ये क्या, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, तो वो बात चुप गई
तो वी तो पढ़ने लगे एंड देन 15-15 घंटे दिन में पढ़ने लगे एंड पढ़ते 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 बहुत आगे निकल गए और कर दिया अप्रूव. तो ऐसा कभी मतलब मैंने देखा है लोगों को और ऐसे नहीं, मैंने यहाँ पे भी कंपनी में एक बार लोगों को बोल दो कि आप ये नहीं कर सकते, फिर उनको चुप जाता है और फिर वो कर देते हैं. राइट, तो यही आपका तरीका है काम करने का. अभी आपने अंकल को जाके कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, उसके बाद टाइम ही नहीं लगा. उसके बाद आईआईटी चले गए, आईआईटी के बाद बहुत कम घर जाना होता लाइक, और अभी तो काम बढ़ गया. तो चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा और ये इसमें काफी लोगों का इंटरेस्ट भी होगा क्योंकि एक यंग एलिजिबल बैचलर है आप, शादी कब कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो नहीं कर रहे, पता नहीं करेंगे अभी भी, 2-3 साल तो नहीं कर रहे हैं. देखिए फिर यहाँ पर करेंगे नहीं वाला जो है, तो खैर इन सब सारी चीजों को मैं उससे अलग रखता हूँ. लेकिन बहुत सारे लोगों को अब लग रहा होगा कि राहुल यादव है, एंग्री यंग मैन है, रॉबिनहुड की भी छवि है, तो जरूर लड़कियों का भी इंटरेस्ट होगा. लेकिन आप अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना चाहते इस पर. देखो हम 11th-12th में मैथ साइंस में सारे बॉयज होते थे, आईआईटी में ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक मेजोरिटी बॉयज ही होते हैं एंड उसके बाद कंपनी में बिजी हो गए तो कभी इन सब चीजों का टाइम ही नहीं लगा. और मुझे लगता है अगले 2-3 साल भी नहीं होने वाला बिकॉज काम बहुत ज्यादा है. घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मम्मी का पापा का कि राहुल सब हो गया अब तो शादी कर लो? वहाँ से प्रेशर आता है बट हम प्रेशर लेते नहीं है. मम्मी पापा के साथ भी वही स्ट्रेट और वही फॉरवर्ड वाली बात है. चलिए राहुल, तो हम उम्मीद यही करेंगे कि हाउसिंग के लिए आपके जो प्लानिंग्स हैं, जो आपने सारा विजन बना के रखा है, उसमें आप कामयाब हों. और जहां तक बात रही कंट्रोवर्सीज की, आपने कहा कि आपका काम करने का यही तरीका है, तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, भविष्य में जो होगा उसको देखा जाएगा. उसी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, काम करने का तरीका कंट्रोवर्सी वाला नहीं है. काम करने का तरीका है कि लोगों के बारे में नहीं सोचना क्या वो सोचते हैं नॉन, एंड लोग कभी अच्छा बोलते हैं कभी बुरा बोलते हैं, मतलब ये सब डिस्ट्रैक्शन है. अपना काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो. लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, बाकी राहुल यादव काम करते रहेंगे. तो राहुल हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात हो.